एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। और सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे साबुदाना। एंड साबुदाने की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, बस उसमें आज यही चेंज है कि मैं आलू नहीं डाल रही हूँ, सिंपल साबुदाना बना रही हूँ, नो प्याज, नथिंग। एंड संदीप भाई नहाने के लिए अभी अभी हम लोग आए वर्कआउट करके। हाँ, वर्कआउट के बाद आकर हमने पिया एप्पल साइडर विनेगर। देखते हैं एप्पल साइडर विनेगर से बॉडी में कितना चेंजेस आते हैं। बट मैंने सुना है और पढ़ा है कि एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपकी बॉडी के लिए। जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तब तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे भिगा के रखा है था रात को साबुदाना, और यहाँ मैंने मूँगफली, मेरी क्या कहते हैं इसको, राई ना, राई कड़ी पत्ता रखी हुई है। मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ता भी है, बट ये मैंने फ्रेश को ही ड्राई करके बनाया है, तो मैं सोची आज इसको डालूंगी। और पैन में मैंने तेल चढ़ा रखा है, मैं जल्दी से बना लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा साबुदाना इज़ ऑलमोस्ट रेडी। आज मैंने बस इसमें कड़ी पत्ते और सरसों का तड़का दिया है, और बस मूंगफली और टमाटर डाले हैं, बाकी कुछ नहीं डाला। लाइट लाइट से बना रही हूँ, और अब यहाँ लगा लेती हूँ आटा मेथी का। तो चलिए, ये अभी खाली बर्तन है, इसमें मैं आटे लगाऊंगी। और यहाँ ग्रीन टी के लिए मैंने पानी रखा है, संदीप नहाकर आएंगे तो मैं ग्रीन टी बना दूंगी। तो गाइस सॉरी, मैं ये भी दिखाना भूल गई आपको, बट मैंने अभी अभी चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी, जिसमें मैंने मिंट, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हींग डाला था, और थोड़ा सा नमक, और एक टमाटर, बस एक टमाटर डाला था। और चटनी हो रही है बिल्कुल चटपट। तो चटनी तो मेरी रेडी है, और संदीप पीछे काट रहे हैं पपीता ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। और मैंने संदीप को चटनी टेस्ट कराई थी, कैसी हो रही थी? बहुत अच्छी हो रही है, A1। तो चलो, अब चटनी वटनी तो बन गई है, मैं रख देती हूँ इसे। जब भी आप चटनी वगैरह बनाए ना, तो किसी मतलब ग्लास के ही जार में इसको रखे तो ये अच्छी रहती है चटनी, ना फ्रेश रहती है बिल्कुल, पहले जैसे ताजी ताजी बनी हुई होती है ना, बिल्कुल वैसी लगती है। मैं तो जा रही हूँ आज हेयर कलर करवाने के लिए, अभी मैं एक जगह पता करके आई हूँ हेयर कलर का, तो लेकर चलती हूँ आप लोगों को भी। पता नहीं क्या होगा मेरे बालों के साथ, पहली बाल थोड़े से हैं, बट मेरा बहुत टाइम से मन था हेयर कलर करवाने का, तो अब मैं देखती हूँ हेयर कलर करा के कैसा लगता है। संदीप ये रे, हाय, बाय बाय, जा रही हूँ मैं, दरवाजा बंद कर लो, बाय। ये है मेरा नेचुरल कलर जो अब बदलने वाला है, तो देखते हैं कैसा लगता है बदल के, देखते हैं बदल के कैसा लगता है। तो चलते हैं।
सो गाइज मैंने कलर करवा लिया और कलर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं आपको अच्छे से और दिखा दूंगी दोबारा। और मैं आज यहाँ आई थी, पहले ये बताएंगे कि ये कब खुला है, आप बताइए। फोर ईयर पुरानी मरी है ये, 4 साल। नाम बताइए पहले। पेसे स्टूडियो नाम है और एक ब्रांच हमारी इंद्रपुरम में है, वसुंधरा में। ये वसुंधरा वाली ब्रांच में हम लोग 18। और इन्होंने मेरे हेयर कलर किया है, तो आप बताइए कौन सा हेयर कलर है। ये मैम का मैंने किया है, हाइलाइट्स टाइगर आई शेड है, ग्लोबल हाइलाइट्स किया है मैम का ना। आपको चेंज दिख रहा होगा आज मेरे बालों में। और थैंक यू सो मच, मतलब आपने मुझे बहुत अच्छा कलर सजेस्ट किया, मुझे बिल्कुल मतलब उम्मीद नहीं थी कि सही लगेगा मुझ पर। और आप लोग देख सकते हैं इनका पेज भी है इंस्टाग्राम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और बाकी तो मैं आपको डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगी। थैंक यू। गाइज ये है फेसेस स्टूडियो, यूनिसेक्स सैलून है ये। और ये है आपका, देखिए इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, गार्डनिया ग्रीन्स अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 18, वसुंधरा, गाज़ियाबाद, यूपी। सो यहीं मैं आज गई थी। और इसका इंस्टाग्राम पेज भी है फेसेस स्टूडियो के नाम से, देख लीजिएगा आप। सो एड्रेस मैंने आपको मेंशन कर दिया है, कार्ड का कार्ड डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए तो अच्छा है कि वो आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मुझे तो सर्विसेज अच्छी लगी, स्टाफ अच्छा था, काफ़ी पोलाइट था और बहुत अच्छे से काम किया सब ने। हाँ, और मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या कलर करवाना है, बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे को नहीं पता है, उन्होंने मुझे बता दिया ठीक से। सो आप देख सकते हैं कि मैंने कलर करवा दिया है, मैंने बहुत टाइम बाद कलर करवाया है। और कैसा लग रहा है संदीप बताएंगे। ये रे संदीप, कैसा लग रहा है? क्या मैं आपको पहचान ही गई थी जब मैं अंदर आई थी? और कल मैं दोबारा जाऊंगी वहाँ हेड वॉश करवाने के लिए, क्योंकि मैंने कैरा थेरेपी भी ली है। सो कल मेरा हेड वॉश भी होगा वहाँ पे। सो मिलते हैं फिर वहाँ पे दोबारा से हेड वॉश कराने के लिए।